जय हिंद दोस्तों। 9 दिसंबर की लेटेस्ट खबरों में बता दें कि सैनिक खबरों में स्पर्श में नया अपडेट आ चुका है। बता दें अब स्पर्श किसी भी समस्या के लिए कैंप लगाएगा और 18 महीने के डीएडीआर पर लेटेस्ट अपडेट है। स्पर्श ने लाखों पेंशनर्स की पेंशन को रोक दिया है और इसके बाद जेसीओआर के लिए लेटेस्ट भर्तियां निकली हुई हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जेसीओआर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, लेटेस्ट खबर है कि पेंशन बंद हो गई है। कई विडो जो है एक्स सर्विसमैन की, जो एक्स सर्विसमैन नहीं जिनके हैं वो उनके लिए विडो या फैमिली पेंशनर्स की पेंशन बंद कर दी गई है। उसका कारण है कि जो स्पर्श में माइग्रेशन हुए हैं उसके बाद जो डेथ सर्टिफिकेट होती है वो सबमिट नहीं कर पाए। डेथ सर्टिफिकेट ना सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक विडो है जो कि एक्स सर्विसमैन की डेथ होने के बाद स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट फैमिली पेंशन लेने के लिए नहीं भर पाई और ना ही उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट भरी। 1 महीने के अंदर अंदर डेथ सर्टिफिकेट देनी होती है, जमा करनी होती है, लेकिन स्पर्श का सिस्टम आने के बाद उनको ये नहीं पता चल पाया कैसे डेथ सर्टिफिकेट सबमिट की जाए। उसकी वजह से उनकी पेंशन बंद हुई है और ये ऐसे लाखों पेंशनर्स हो गए हैं जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है। दूसरी बड़ी अपडेट है, अब पेंशनर्स के लिए पीसीडीए ने कैंप लगाना शुरू किया है, यानी कि कैंप लगाया जाएगा पेंशनर्स की किसी भी समस्या के लिए। आप देख रहे हैं कि अभी लेटेस्ट ही ये खबर आई है कि पेंशन बंद हो गई है, लेकिन अब एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीसीडीए प्रयागराज की तरफ से और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अब स्पर्श की किसी भी समस्या के लिए आउटरीच बढ़ाने के लिए डिफेंस सिविलियन, डिफेंस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए स्पर्श से रिलेटेड समस्या को समाधान के लिए 13-14 दिसंबर को इसके लिए एक कैंप लगाया जाएगा जो कि किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और बता दें उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, लेटेस्ट बैंक की जिसमें पेंशन आ रही है वो लेटेस्ट बैंक की पासबुक, पीपीओ, आधार और पैन कार्ड, बाकी भी डॉक्यूमेंट साथ में ले जाएं क्योंकि बाद में आपको डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी तो घर नहीं आ पाएंगे। फोटो कॉपी भी उनकी सारी की ले जाए। तो ये लेटेस्ट खबर आई है और ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, ये है दीप्ति ऑडिटोरियम, इस जगह पर आयोजित किया जाएगा जो कि इलाहाबाद में है और पीसीडीए के एक सेक्शन है ये, तो उसमें आयोजित किया जाएगा। जिसकी कोई समस्या है तो जा सकते हैं और बिल्कुल जाए क्योंकि ये पीसीडीए ने लेटर भी जारी किया है इसके बारे में। दूसरी बड़ी अपडेट है, डीएडीआर के लिए सैंक्शन मिल चुका है। बता दें कि ये लेटर जारी हुआ है और उसके बाद सैंक्शन मिल चुका है और जल्द ही आपका डीएडीआर जो 18 महीने का बकाया था वो पेंडिंग था उसके लिए आपका जल्द ही क्रेडिट किया जाएगा, लेकिन अभी क्रेडिट की डेट निर्धारित नहीं की है। 5 दिसंबर का ये लेटर है, क्रेडिट कब होगा इसकी अभी कोई ऐसी डेट बताई नहीं गई है। दूसरी बड़ी अपडेट है कि एक एक्स सर्विसमैन ऑफिसर थे जिन्होंने एक लेटर लिखा था 5 साल में रिवीजन के, ओआरओपी रिवीजन के लिए, लेकिन उसका कोई जवाब जो दिया गया था उसमें यह कहा गया कि वेटरन राज राजेश्वर सिंह लिखा गया है और आईसी नंबर दिया है, यानी कि उस लेटर में यह कहा गया रैंक हटा दी गई है, सिर्फ वेटरन कर दिया गया है। इसमें बता दें कि जो ये आरोप लग रहे हैं सचिन कालिया जो है कर्नल सेना वेतन आयोग के, उन पर ये आरोप लग रहा है कि एक्स सर्विसमैन की जो रैंक है रैंक को हटा के सिर्फ वेटरन कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि जैसा ही जो वेटरन थे उन्होंने लेटर दिया था वैसे ही लेटर को मैंने टाइप कर दिया है, मैंने कुछ अमेंडमेंट नहीं किया है, इन्होंने ही वेटरन लिख के भेजा था वही हमने टाइप करके भेज दिया है इनको, यानी कि इनकी कोई गलती नहीं है, ये खुद ही इन्होंने वेटरन लिख के भेजा था। दूसरी बड़ी अपडेट है, अब पेंशन और पेमेंट लेने के लिए आपको 5 बैंकें निर्धारित की गई हैं। आईसीआई जो प्राइवेट बैंक हैं, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और जो सरकारी बैंक हैं वो जिसमें कि पीएनबी और एसबीआई, इनमें ही आपकी डीएसपी अकाउंट खुलेगा, पेंशन अकाउंट इन्हीं में खुल पाएगा और इन्हीं में आप स्पर्श की किसी भी समस्या के लिए जा सकते हैं। तो आपके लिए बता दें कि ये जो लेटर जारी हुआ था बहुत पहले का था, लेकिन कई लोग पेंशन लेने के लिए या पेमेंट लेने के लिए दूसरी बैंकों, प्राइवेट बैंकों में जा रहे थे, लेकिन उन बैंकों में आप नहीं अपनी पेंशन के लिए अकाउंट खुला सकते हैं, अब सिर्फ ये 5 बैंकें ही निर्धारित की गई है।
जॉब से संबंधित समाचार में बता दें कि बहुत ही ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है। एओसी का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आपके पास मेल आया होगा, जो एग्जाम कंडक्ट होगा 11 तारीख को, उसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। रोजगार मेला जॉब फेयर कल लगाया जाएगा, जो कि कलकत्ता में लगाया जा रहा है डीजीआर की तरफ से। जिसको जाना है कल जा सकते हैं। और टीसीएस की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी निकल चुकी है, जिसका मैंने वीडियो बना भी दिया है। दूसरी बड़ी खबर है, सीएचएसएल में नई वैकेंसियां 4,500 निकल चुकी हैं, इसका भी वीडियो बना दिया है। लेटेस्ट खबर बता दें, सी डेक ऑनलाइन अप्लाई होने लगा है, जिसमें कि केवल एक्स सर्विसमैन JCOR की मैन पावर की जरूरत है। और बता दें, 32,000 इसमें सैलरी मिलेगी। जो भी JCOR अप्लाई करना चाहते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, और अप्लाई कर लें। तो ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।